हेलो गाइज, मैं हूं अमित। भाई आज हमारे पास में लेजर लाइट। आप सभी ने भी कभी ना कभी तो बचपन में मेले में या किसी शॉप से लेजर खरीदी होगी, जो कि 20-25-30 रुपए की मिलती है। लेकिन ये वाली हमारे पास में जो लेजर है, ये थोड़ी सी स्ट्रांग है। 5 मिलीवोल्ट इसका पावर आउटपुट है और लगभग 400 रुपए की जो लाइट है मार्केट में मिलती है। तो हम इस लाइट को खोल करके सबसे पहले इसको अनबॉक्सिंग करेंगे। इसको मैंने बाहर नहीं निकाला। उसके बाद में जो लाइट है उसको भी खोल करके देखेंगे कि लाइट के अंदर क्या चीज होती है। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई यहाँ पर है हमारी लेजर लाइट। सबसे पहले तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो ये जो है कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में है। जो डब्बा है उसके अंदर जो है ये रखी हुई है। ये जो है कुछ इस तरीके से खुल जाता है। मैं आपको जो है खोल करके दिखाता हूँ। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो लेज़र है वो इसके अंदर रखी हुई है। मैंने भी इसको पहली बार ही खोला है। जो मेन यूनिट है वो है यहाँ पर, और इसके अंदर दो बैटरीज और रखी हुई हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो है कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले तो इसकी जो बैटरीज हैं उसको डालते हैं इसके अंदर, जो कि इसके अंदर ही आई हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। तो ये जो है कुछ इस तरीके से इसके अंदर डल जाएगी। तो भाई बैटरीज को मैंने इस लेजर के अंदर डाल दिया है। अब इसको करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर इसके लिए एक बटन दिया गया है, तो यहाँ पर हम इसको जलाते हैं। 3, 2, 1, go। और भाई आप लोगों को वो चीज नहीं दिख रही, आपको सिर्फ ग्रीन कलर दिख रहा है, लेकिन मुझे दिख रही है। आप लोगों को दिखाने के लिए मुझे कुछ इस तरीके से इसको जलाना पड़ेगा। यहाँ पर है लाइट, और आप लोग देख सकते हो यार क्या मस्त जो है इसमें से पैटर्न दिख रहा है। और ये जो है काफ़ी सारी डॉट डॉट है। अगर इसको दूर ले जाता हूँ, पास लेकर के आता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो ये जो पैटर्न है किस तरीके से फैल रहा है। तो एक बार जो है लाइट्स ऑफ करते हैं और उसके बाद में देखते हैं। लाइट्स ऑफ, और अब आप लोग जो है देख सकते हो इस पैटर्न को एकदम अच्छे से। अगर मैं लेज़र को दूर लेकर के जाता हूँ, और आप मेरी टी शर्ट के ऊपर भी इसको देख सकते हो, तो अब आप देख सकते हो ये जो है पूरी इस दीवार के ऊपर है। और अगर मैं इस पैटर्न को आपको घुमा करके दिखाऊं इस दीवार पे, तो भाई जो पूरी वॉल है, जो पूरी दीवार है, वो यहाँ पर जगमगा रही है। और यार क्या मस्त सीन है भाई, मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया वास्तव में। और मेरा मन नहीं कर रहा है इसको रखने का। थोड़ा स्लोली करते हैं इस बार। आप देखिए पैटर्न किस तरीके से मूव करता है, और काफ़ी फास्ट करते हैं तो भी जो है। और एक चीज़ यहाँ पर और होती है कि अगर हम इसको घुमाते हैं इस तरीके से, तो एकदम डिफरेंट ही चीज़ होती है यार। वास्तव में तो कमाल की चीज़ है। तो भाई इसको हम फोकस कर रहे हैं उस पेड़ के ऊपर वहाँ पर, और आप देख सकते हैं जो लाइट है वो इतना दूर जा रही है, वहाँ पर भी जा रही है, दूसरे पेड़ के ऊपर भी, और मुझे नहीं पता कि उस वहाँ पर। और बिल्कुल भाई आप वहाँ पर जो है ये वाली जो लाइन है ना, ये कुछ नहीं है, ये हमारी लाइट है। और भाई वो जो रोड है ना, वो यहाँ से लगभग 500-700 मीटर होगा, और वहाँ तक जो लाइट है वो एकदम आराम से पहुँच रही है। तो भाई अब खोलते हैं इस लाइट को। और सबसे पहले तो इसके दो टुकड़े आपको पता है हो ही जाते हैं। और ये वाला जो हिस्सा है यही सारे डिज़ाइन प्रोड्यूस करता है, जो भी आपको दिख रहा था घूमता फिरता चलता कूदता। इसको रखते हैं साइड में। और इस वाले हिस्से के अंदर है सारी चीज़ें। इसके अंदर सिर्फ बैटरीज हैं, सिर्फ सेल हैं, दोनों बैटरीज में डली हुई हैं। और इसके अंदर यहाँ पर जो है पॉइंट है जहाँ पर सेल लगता है, ये है इसका स्विच। तो इस वाले के अंदर ही होगा सारा कमाल खोलने के लिए, अगर इस कटर से हम ट्राई करें। वैसे मुझे उम्मीद कम ही है कि ये कटर से कटेगा। और जी बिल्कुल ये जो है इस तरीके से खुलने वाला तो है नहीं। तो इसको खोलने के लिए हमें थोड़ी बड़ी मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, और वो मशीन है यहाँ पर। तो मशीन को चलाते हैं। तो इसको हम जो है खोलने की ट्राई करते हैं। मैंने इसको आर पार काट दिया है यहाँ से। और आगे वाला जो हिस्सा है ये भी इसका टूट चुका है, और जो बल्ब है वो यहाँ पर मुझे नज़र आने लगा है। आप भी जो है देख सकते हो ये जो इसका बल्ब है, जो कि लेज़र है, और वही जो है जलता है। और यहाँ पर भाई जो इसकी सारी असेंबली है वो बाहर आके गिर चुकी है। यहाँ पर इसका स्विच जिससे हम इसको चलाते हैं, ये जो है कुछ इस तरीके से खटखट करके बजता है, सुन सकते हो आप। और ये है इसका लाइट बल्ब जो कि सामने की तरफ है। और मैं अगर आपको कहूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा हैवी है, तो भाई आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ठोक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी मस्त मस्त वीडियोस के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार।